हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 कंपनी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे जितने भी वीडियो कंटेंट्स अवेलेबल है इकोनॉमिक्स के, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के, ओसी के एंड एसपी के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना है ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आप लोगों को, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसके बाद में ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको एसपी का वो आएगा 5th चैप्टर की एक्सरसाइज को लेके। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सरसाइज के थ्रू ही आपको है ना एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है चैप्टर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको डेफिनेशन लिखनी है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन लिखनी है। कोई भी एक डेफिनेशन आपको जो आसान लगती है वो कंपल्सरीली आपको लिखनी है एंड आपको एक्सप्लेन करना है उसके फीचर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम नेचर भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला जो है डेफिनेशन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैन्स जो डेफिनेशन है वो है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इज इट्स चार्टर, उसका चार्ट होता है, लिस्ट होता है एंड डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की कितना उसके लाइक अ लिस्ट एंड वो बताता है कि कौन कौन से पावर्स कंपनी के पास में और कौन से पावर कंपनी के पास नहीं है, कितनी पावर्स की लिमिट है, मतलब उसके राइट्स कौन कौन से हैं कंपनी के। एंड एज पर दिस डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि मेमोरेंडम क्या है, इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है विच डिस्क्राइब्स द, वो एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का सेटअप क्यों हुआ है, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ है एंड इट्स राइट्स और प्रिविलेजेस, इसके क्या क्या है ना प्रिविलेजेस है, इसको कौन कौन से हक है, कौन से राइट्स है, इसके बारे में ये डेफिनेशन जो मेमोरेंडम है डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, डॉक्यूमेंट के अंदर बताया गया है। एंड इट स्टेट्स द पावर ऑफ द कंपनी, ये साथ ही है ना कंपनी के पावर्स, कंपनी को कौन कौन से राइट्स है उसके बारे में भी बताता है, व्हाट इट कैन डू, कौन कौन से काम कंपनी कर सकती है, एक्टिविटी कंपनी कर सकती है एंड व्हाट इट कैन नॉट डू और कौन से एक्टिविटीज नहीं कैरी आउट कर सकती है। तो दोनों भी डूज एंड डोंट, हम इन सिंपल सरल शब्दों में बोलेंगे कि डूज एंड डोंट बताए होते हैं कंपनी के, कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। नाउ फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन गिवन एज अंडर, तो पहला फीचर है कि इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, ये ना मेन प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, विच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि कंपनी का क्या एम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का मोटो क्या है, उसके बारे में इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। देन इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स, ये साथ ही है ना कंपनी के जो रिलेशनशिप है कंपनी के आउटसाइडर्स के साथ में, उसको है ना बताता है, डिस्क्राइब करता है एंड उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि नेमली आउटसाइडर्स कौन हुए, तो आउटसाइडर्स बोले तो शेयर होल्डर्स होना, क्रेडिटर्स कंपनी का, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, हु कैन मेक आउट द मेमोरेंडम, हम मेमोरेंडम से इनके साथ जो क्या व्यवहार होने वाला है, क्या रिलेशन मेंटेन रहने वाला है, वो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू पता चल जाता है। वेदर अ कंपनी इज परमिटेड, ये मेमोरेंडम में मेंशन होता है कि कंपनी को परमिशन है क्या कैरी आउट करने की एक्टिविटी, कैरी आउट कर सकते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस वो कैरी आउट कर सकते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। देन एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हर एक कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने का हक होता है एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, उसके इनकॉर्पोरेशन के समय पर उन्हें ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना होता है एंड सबमिट इट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन टू द ROC। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ के पास जब वो है ना इनकॉर्पोरेशन करने के टाइम पर एप्लीकेशन सबमिट करते, तो एप्लीकेशन के साथ में उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करना होता है, ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होता है। देन इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स, इसको तैयार कौन करता है, कौन इसे प्रिपेयर करता है, साइन कौन करता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स एंड नीड्स टू बी साइंड बाय मिनिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम 7 पर्सन्स इसको है ना साइन करते हैं, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 पर्सन्स को सिग्नेचर करने होते हैं इसके ऊपर एंड जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें 2 पर्सन साइन करते हैं
एंड इन वन पर्सन कंपनी, तो वन पर्सन कंपनी मतलब सिंगल, एक सिंगल बंदा, सिंगल पर्सन, तो ऑब्वियसली उस पर साइन करने वाला बंदा भी एक ही होगा, वन पर्सन होगा. एंड ईच सब्सक्राइबर मस्ट राइट, और हर एक सब्सक्राइबर को जब वो साइन करते हैं इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, तो उन्हें उसके अगेंस्ट है ना अपना नाम और अपना पता, नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो ले रहे हैं कंपनी के, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो सब मेंशन करना होता है. एंड एज पर द कंपनी, जो कंपनी का एक्ट 2013 होता है, उसके अकॉर्डिंगली ईच सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट वन शेयर, कम से कम एक शेयर लेना जरूरी होता है, कंपल्सरी है कि एक शेयर है ना सब्सक्राइबर को लेना ही होगा. देन दिस इज नॉट, दिस विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी विद गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल. हाँ, यहाँ पर एक शेयर जो एटलीस्ट वन शेयर वाली जो है, यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई है वो विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी विद गारंटी, जो कंपनी गारंटीड कंपनी होती है, कंपनी विद गारंटी होती है, उसमें विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी में यहाँ पे कंपल्शन नहीं होता है. नाउ इट कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस, कौन से क्लॉज कंटेन्ड होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होते हैं, तो द नेम क्लॉज होता है, मतलब जिसमें कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है. देन द एड्रेस क्लॉज, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस वगैरह डिटेल लिखी होती है. देन द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के. देन द लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी किस किसके लिए लायबल है. देन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स किस किस के लिए लायबल है, मेंबर्स वगैरह. देन कैपिटल क्लॉज, देन द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसे हम बोलते हैं, ये सारे के सारे जो है क्लॉजेस इसमें इंक्लूड होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. देन सिक्स जो फीचर है, एज इट डिफाइंस द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, जैसे कि ये है ना कंपनी का जो कैरेक्टर है, नेचर है, वो बताती है. देन इट इज नॉट ईजी टू ऑल्टर द क्लॉजेस, इसीलिए ये जो जितने भी क्लॉजेस दिए हुए थे, नेम क्लॉज हो, एड्रेस हो, ऑब्जेक्ट हो, लायबिलिटी हो, इनको हम है ना आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकते. द एक्ट हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रूल्स, इसके लिए है ना स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, प्रोविजन फॉलो करने होते हैं इसको ऑल्टर करने के समय पर हमें करना होता है. देन इट कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रारी, अगेंस्ट कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट 2013 के अपोजिट में जाकर ये कोई भी है ना इंक्लूड नहीं कर सकते, कंटेन नहीं कर सकते कोई भी पॉइंट. देन एनी एक्ट डन बाय द कंपनी, कोई भी एक्ट कंपनी जब भी करती है, कोई भी एक्टिविटी फॉलो करती है, तो ये है ना उसकी पावर के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए. विच गोज, अगर वो पावर के बियॉन्ड चला जाता है, देन इट विल बी अल्ट्रा वायरस, तो इसको है ना इनवैलिड कर दिया जाएगा. इट विल बी इनवैलिड, उसको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा. हम बोलते हैं ना कि भाई जो आपको मेंशन किए गए लॉज एंड यहाँ पर स्टेट्यूटरी लॉज के हिसाब से ही कंपनी के यहाँ पर काम करना होगा. अगर उसके अपोजिट अगर कंपनी काम करती है तो फिर वो इनवैलिड एक्टिविटी मानी जाएगी, कंसिडर की जाएगी. देन नाइन्थ, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसमें सारे के सारे जो मेंशन होती है चीजें वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है. एंड एनी वन हु वॉन्ट्स टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, जिसको भी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होती है. इज सपोज टू हैव अ नॉलेज अबाउट द कंटेंट्स ऑफ, तो उनको है ना इसके बारे में इसका नॉलेज होना जरूरी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या मेंशन है. देन 10, कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट, इसमें ना प्रिस्क्राइब्ड इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया गया इन द फॉर्म ऑफ टेबल ए बी सी डी ई फॉर प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए. डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरेंडम तैयार करना होता है, जैसे टेबल ए है वो लिमिटेड कंपनी के लिए है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी के लिए टेबल ए वाला फॉर्मेट फॉलो करना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करने के लिए. इट इज जस्ट लाइक कैसे कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म होता है उसी तरीके से पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना होता है ना, तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर फॉर्मेट है पर्टिकुलर कंपनी के लिए. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके लिए टेबल ए वाला फॉर्मेट, देन टेबल बी वाला जो फॉर्मेट है वो कंपनी जो लिमिटेड है बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल उसके लिए, देन टेबल सी जो फॉलो करता है वो कंपनी होते हैं लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, जिनका शेयर कैपिटल होता है. देन टेबल डी जो फॉर्मेट है वो फॉलो किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी जो होती है उसके लिए एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. एंड टेबल ई जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करने के लिए ये फॉर्मेट
रिक्वायरमेंट फॉलो करते हैं जो अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, जिसका शेयर कैपिटल होता है वो। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके फीचर सीखने तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें बोला है व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स कंटेंट। इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इंक्लूडेड है, वो ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसे बोला है। तो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड डॉक्यूमेंट हुआ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी फाइल। ये है ना, फाइल करना जरूरी होता है विद ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना होता है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो उसी समय पर है ना ये भी फाइल करना होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, जिसको ओरिजिनली फ्रेम किया जाता है, और एज ऑल्टर्ड या ऑल्टर भी कर सकते हैं हम टाइम टू टाइम इन परस्यूएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, दूसरे कंपनी लॉ के हिसाब से और दिस एक्ट। तो यहाँ पर ये ऑल्टर्ड कॉपी भी हो सकती है या ओरिजिनली फ्रेम्ड कॉपी भी हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दस आर्टिकल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है इन राइटिंग, रिटर्न फॉर्म होता है ये, ऐसा नहीं कि ओरली आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार कर दिया, नहीं, ये रिटर्न फॉर्म में होता है विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस विच हैज इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो आउटसाइड इसके लिए रहता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रहता है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। तो ये है ना वो लोग शेयर नहीं करते हैं आउटसाइडर्स के साथ, शेयर नहीं करते आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। नाउ फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स कौन से, तो कंपनी में अडॉप्ट द मॉडल आर्टिकल्स अडॉप्ट कर सकते हैं एज गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013, और एड एडिशनल मैटर्स एड कर सकते हैं एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिशनल मैटर्स भी एड कर सकते हैं कंपनी। देन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली कंटेन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि रिलेटेड होते हैं टू द फॉलोइंग मैटर्स, कौन कौन से मैटर्स को लेकर इंक्लूड रूल्स होते हैं, तो शेयर कैपिटल को लेकर कि शेयर एंड देयर वैल्यू एंड देयर डिविजन जो है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ कौन कौन से टाइप के शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है क्या, देन फुल्ली पेड शेयर्स है क्या, या इक्विटी शेयर्स है, तो देन सेकेंड राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, हर एक क्लास शेयर होल्डर के क्लास का हक क्या क्या है, उनके प्रोसीजर फॉर वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स चेंजेस ऑफ देयर राइट्स, उनके राइट्स में क्या क्या फर्क है, क्या चेंजेस है, वेरिएशंस क्या क्या है। देन थर्ड प्रोसीजर रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, किस किस को अलॉट किए जाएंगे वो प्रोसीजर मेंशन रहता है, मेकिंग ऑफ कॉल्स, कॉल मनी कैसे, कॉल्स मतलब है ना 10 रुपया मांगना है एक शेयर का 10 रुपया, तो उसको 3 भाग में बांटा गया है, मान लो 4 रुपया मांगा एडमिशन के टाइम पे, फिर है ना 3-3 रुपया मांगा फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल के टाइम पे, तो उसके हिसाब से उसको कॉल्स मनी बोलते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स मतलब मेंबरशिप कैंसिलेशन कर देना, इसके बारे में डिटेल में आगे जाकर आप पढ़ोगे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स मतलब कैंसिल कर देना मेंबरशिप, मेंबर शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप कैंसिल कर देना अनपेड, जब वो अपना पैसा पे नहीं करते कॉल मनी का। देन रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसफर करना मतलब दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर देना, एंड ट्रांसमिशन डेथ होने का, ये नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफर होता है, एंड जब डेथ हो जाता है अगर कोई पर्सन इंसान हो जाता मतलब मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, तो उस केस में जब शेयर दूसरे के नाम किए जाते तो ट्रांसमिशन हो गया, एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। देन लीन ऑफ द कंपनी on shares allotted to the members of the for the amount unpaid by them, अगर वो है ना जो अलॉट किए जाते हैं मेंबर्स को शेयर और उन्होंने पैसा पे नहीं किया, अनपेड अमाउंट है, तो उसके ऊपर क्या उनको क्या फॉलो अप करना है। देन इंक्रीज ऑल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है या ऑल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो वो भी इसमें मेंशन होता है रूल्स उसको लेकर भी। देन अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, पावर ड्यूटीज एक्सेट्रा ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, तो जो जो एक्टिविटीज है ना कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट की होती है वो सारी इसमें मेंशन होती है। देन 8th प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, कन्वर्जन कन्वर्ट करना शेयर्स को, कन्वर्ट करना स्टॉक में,
ये प्रोसीजर इसमें दिया रहता है एंड स्टॉक से शेयर्स में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर इसमें मेंशन रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. देन प्रोविजंस रिलेटेड टू बोर्ड, बोर्ड मीटिंग को लेकर, कमिटी को, जनरल मीटिंग्स को लेकर, देन वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स को लेकर, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मतलब जैसे आपकी क्लास में कैसे प्रॉक्सी टीचर आती है आपकी टीचर एब्सेंट रहने पर, तो सेम वे है ना, मेंबर्स को जब वोट करना होता है, एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना होता है, वो नहीं जा पाते तो अपने जगह पे दूसरे पर्सन को भेजते, तो दैट इज प्रॉक्सी. देन कोरम क्या है, देन पोल, एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को आगे की डेट दे दी जाती है, एडजर्न कर दिया जाता है, देन वोटिंग, पोल वगैरह, ये सारे रूल्स इसमें मेंशन होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का ऑडिटिंग, देन ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना, सेव रिजर्व मतलब सेविंग, देन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करना, डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को, तो उनका डिविडेंड डिक्लेरेशन को लेकर जो रूल्स है वो सारे के सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं. देन बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी को कौन से पावर्स है, देन द मोड ऑफ द बोरोइंग्स, कौन सा मोड होना चाहिए, कौन सा उनको डिबेंचर्स के थ्रू लेना है या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट करना है, तो वो सारा इसमें डिटेल में मेंशन रहता है. देन इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, गुम हो जाने पर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कौन सा के लिए कौन सा प्रोसीजर है, देन इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए कौन सा प्रोसीजर है, देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी कैसे फॉर्म होगी, उसका कंपोजिशन क्या होगा, देन रेम्यूनरेशन ऑफ कमेटी क्या, क्या रेम्यूनरेशन, क्या सैलरी दी जाएगी, देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटीज की क्या है, वो सारे इसमें मेंशन होते हैं. देन 14th पॉइंट प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी लॉस मेकिंग हो रही है, लॉस कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, कंपनी को वाइंड अप करना है, बंद करना है, तो क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, देन आर्बिट्रेशन एंड देन इंडेमिनिटी, क्या क्या इंश्योरेंस वगैरह निकालने पर जो है उनकी लायबिलिटीज वगैरह को लेकर सारे के सारे डिटेल में यहाँ पर मेंशन होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे लिखना है, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं. नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रॉस्पेक्टस एंड एक्सप्लेन इट कंटेंट्स, इसके कंटेंट्स एक्सप्लेन करने और प्रॉस्पेक्टस क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको. तो सबसे पहले व्हेन अ पब्लिक कंपनी, जब भी पब्लिक कंपनी कलेक्ट करना चाहती है, मतलब कैपिटल रेज करना चाहती है शेयर्स इश्यू कर पब्लिक को, तो उसको है ना प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना कंपल्सरी होता है. तो ये प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, तो ये डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेंस इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी होती है, और इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली किसके बारे में होगी, तो ऑब्वियसली अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में होगी, एंड इनवाइट्स द इन्वेस्टर्स टू बाय, और वो इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करते हैं बाय करने के लिए सिक्योरिटीज, अपनी कंपनी के सिक्योरिटीज जो ऑफर करते हैं उसको परचेस करने के लिए वो इन्वाइट करते हैं प्रॉस्पेक्टस के थ्रू. तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है. तो इट इज एन एनी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है डिस्क्राइब्ड और इश्यूड, इसको डिस्क्राइब किया गया, इश्यू किया जाता है एज अ प्रॉस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, इसमें इंक्लूड हो सकता है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस हो सकते हैं, एंड और एनी नोटिस, कोई भी नोटिस है, सर्कुलर है, एडवर्टीजमेंट है, और अदर डॉक्यूमेंट इन्वाइटिंग ऑफर्स है फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेस ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये सारे के सारे इसमें मेंशन होते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं. तो वो प्रॉस्पेक्टस हुआ, इन प्रॉस्पेक्टस के अंदर में सारे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ये सारे टाइप्स मैंने पहले एक्सप्लेन किए हुए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से वो वीडियो देखिएगा. नाउ फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स है ना इंक्लूडेड रहता है. तो एज पर द कंपनीज एक्ट प्रॉस्पेक्टस मस्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन सच एज द नेम ऑफ इश्यूइंग कंपनी, कौन सी कंपनी इश्यू कर रही है शेयर्स, देन इट्स फुल्ली रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कहाँ का कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस का है उसका एड्रेस लिखना, विद द फोन नंबर्स देना होता है प्रॉस्पेक्टस के अंदर डिटेल, देन ईमेल एड्रेस देना मस्ट होता है, नेचर, नंबर एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज देना जरूरी होता है बींग ऑफर्ड, देन डिटेल्स ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर, देन रजिस्ट्रार टू द इशू, देन यहाँ पर नेम्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाने वाला है शेयर, तो उसके बारे में डिटेल, देन अ क्लॉज ऑन जनरल रिस्क, कौन से क्लॉजेस है
जनरली अगर कोई रिस्क है तो उसके लिए, देन डेट ऑफ ओपनिंग कब ओपन होगा कब क्लोज होगा ये इश्यू जब होगा मार्केट में तब, देन इट मस्ट ऑल्सो हैव रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी रिपोर्ट्स देनी जरूरी होती है। देन सेबी स्पेसिफाइज द कंटेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, और इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स के बारे में बताना जरूरी, तो सारे कंटेंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं प्रोस्पेक्टस में। देन क्योंकि इसी के आधार पर तो डिसाइड करेगा ना इन्वेस्टर कि भाई इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, खर्च का हमको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। देन सेकेंड पॉइंट डिक्लेरेशन, तो देयर शुड बी अ डिक्लेरेशन बाय द कंपनी, कंपनी को डिक्लेयर करना जरूरी होता है रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कौन कौन से प्रोविजन हैव बीन कंप्लाइड विद, कि कंपनी है ना अबाइड विद विच रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कंपनीज एक्ट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो उसके कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, दैट द प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन, जिसकी डिटेल प्रोस्पेक्टस में नहीं दी होती है, एंड कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, और कौन सी कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट कौन सा काम करे तो वो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, डिक्लेयर करना जरूरी है। देन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड सेबीज एक्ट 1992 एंड द रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, सारे के सारे डिटेल जो भी अगेंस्ट अगर इन लॉस के अगेंस्ट, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट या सेबी एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई काम करे तो उसकी भी डिटेल इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करनी जरूरी होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। देन थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट, तो यहाँ पर अब प्रोस्पेक्टस जो है वो इंक्लूड करता है कि जो एक्सपर्ट्स ने कंपनी, जिसका एक्सपर्ट्स मतलब कौन, तो कंपनी की जो सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वैल्यूअर है, जो कंपनी की वैल्यूएशन करते इंजीनियर है, वो इस कंपनी के मैटर्स रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं रिलेटिंग टू द मैटर्स दैट दे हैव लुक्ड इनटू, उन्होंने कौन कौन से मैटर्स को देखा है, फाइंड आउट किया है, क्या बताना चाहते हो, सारी डिटेल्स में होनी चाहिए। एंड द एक्सपर्ट्स हैज टू गिव रिटन कंसेंट, और उनको है ना रिटन कंसेंट मतलब उनको रजामंदी अपनी देनी जरूरी होती है कि कंपनी के पॉजिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है वो बताने जरूरी होते हैं, कंसिस्ट करने जरूरी होते हैं। देन एनी अदर मैटर्स मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट, और भी जो मैटर कंपनी एक्ट के तहत जो देने जरूरी होते हैं वो सारे के सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें देनी जरूरी होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक है ना समझ में आ गया है कि क्या कंटेंट्स प्रॉस्पेक्टस के अंदर होने चाहिए। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी का एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आने वाली हूँ, उसकी एक्सरसाइज के वीडियोज आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।